गुड मॉर्निंग साथियों, नव्या साइंस क्लासेज झुंझुनू में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत। विद्युत विद्युत को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अक्सर ये कंफ्यूज होता है जो विद्युत जो नाम है विद्युत में और विद्युत धारा में, ये दोनों नाम अलग अलग है। ठीक है, पहले अपन समझेंगे विद्युत। ये विद्युत का एक प्रकार होता है विद्युत धारा या धारा विद्युत। ठीक है, तो विद्युत क्या है, विद्युत किसे कहते हैं। अपन घरों में बोलते हैं कि बिजली, जिसको अपन शब्द यूज करते हैं बिजली का, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आवेश के प्रवाह को। आवेश, इससे पहले वाला जो तो वीडियो था उसमें अपन ने आवेश के बारे में समझा था, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और आवेश कब बनते हैं, जब दो वस्तुओं में से किसी एक पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो तो ऋणावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है वो जाती है धनावेशित। तो ये जो आवेश है, ठीक है, उनका जो प्रवाह होता है, आवेश बहते हैं, बहना यानी कि प्रवाह होना, तो आवेश के प्रवाह को, ये प्रवाह यानी कि ये रह यहां पर लगा, ये प्रवाह और वो प्रवाह अलग होता है। ये प्रवाह, ये लापरवाह वाला प्रवाह, लापरवाह करना, ठीक है, लापरवाह होना, प्रवाह करना, ये अलग है। ये प्रवाह मतलब बहना, आवेश जब बहते हैं, आवेश कहां बहेंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आवेश का जो प्रवाह होता है उसे अपन कहते हैं विद्युत। ठीक है, फिर विद्युत के प्रकार है, विद्युत को मोस्टली दो भागों में डिवाइड किया गया है। विद्युत के प्रकार हैं, अपन ये पढ़ते हैं कि विद्युत के प्रकार प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी और डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, वो इसके प्रकार है। फिर विद्युत धारा के प्रकार है, न कि केवल विद्युत के। विद्युत के दो प्रकार कौन कौन से है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत को अपन घर्षण विद्युत भी कहते हैं, ठीक है, और धारा विद्युत यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं अपन इंग्लिश में। ठीक है, या विद्युत धारा या धारा विद्युत एक ही बात है। धारा शब्द अपन ने पहले जोड़ दिया, इसको बाद में भी अपन जोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये विद्युत के प्रकार हुए। पहले अपन यहां स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत को समझेंगे। स्थिर विद्युत नाम क्या है, स्थिर, ठीक है, या दूसरा नाम क्या है इसका, घर्षण। अब घर्षण देखो समझना, कोई भी दो वस्तुएं हैं अपन उनको रगड़ रहे हैं आपस में, रगड़ना यानी कि उनमें घर्षण हो रहा है। ठीक है, जब रगड़ते हैं दो वस्तुओं को तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से कहां पहुंच गए, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गए। ठीक है, तो ये विद्युत क्या कहलाएगा, घर्षण विद्युत। क्यों, क्योंकि जो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित होने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। तो ये आवेश का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा अपना, स्थिर या घर्षण। घर्षण का मतलब रगड़ना, और स्थिर क्यों कहलाएगा, स्थिर का मतलब यह है कि जब अपन ने वस्तुओं का घर्षण बंद कर दिया, वस्तुओं को आपस में रगड़ना बंद कर दिया, तो एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, संग्रहित हो गए, स्थिर हो गए। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो रहे, वो वस्तु ऋणावेशित हो गई। इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए तो यह वस्तु क्या होगी, ये इस पे इलेक्ट्रॉन संग्रहित यानी कि स्थिर हो गए एक जगह। ठीक है, अब उनका प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अपन स्थिर विद्युत भी कहते हैं। अब स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत में से क्वेश्चन जो एग्जाम्स में किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, जनरली ये जो अपने यहाँ टेबल बनी हुई है इसमें ये जो पांच छह एग्जाम्पल अपने यहाँ लिए हैं, ये किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। और मोस्टली जो अपन यहाँ पर जो चीजें डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए जितनी भी बातें हैं वो ही अपन यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्स में कोई दो वस्तुओं का नाम दिया हुआ आएगा कि कोई दो वस्तुएं हैं, उनको आपस में अपन रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का संग्रहण
इस वस्तु पर होता है। कौन सी वस्तु? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? यानी कि ऋणावेश। ऊपर देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। तो ऋणावेशित वस्तु कौन सी होगी, या इलेक्ट्रॉन किस वस्तु पर संघनित हो जाएंगे, ये अपन एक थोड़ा थोड़ा समझेंगे। देखिए क्या है इसमें कि एक वस्तु है कंघा। कंघी अपन करते हैं बालों में, कंघी को अपन बालों में रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है उस समय। तो इलेक्ट्रॉन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कंघे के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंघे को बालों से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में संग्रहित होंगे, या कौन सी वस्तु जो है वो ऋण आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंघा है। जैसे अपने छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्केल आती है प्लास्टिक की स्केल, उसको सूखे बालों में रगड़ते हैं, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके पास में उसको लेके जाते हैं तो वो उसके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसने भी क्या हुआ है, कंघा किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का, स्केल भी प्लास्टिक की है, बालों में रगड़ रहे हैं तो कंघा क्या हो गया, ऋणावेशित। तो स्केल भी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, जो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। वहां कागज के टुकड़े धनावेशित हैं और स्केल क्या है, ऋणावेशित है, जो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। दूसरा है रेशम। रेशम के कपड़े बनते हैं, रेशम एक धागा है जो कि एक अपने जो कीट है रेशम कीट, ठीक है, उसे प्राप्त किया जाता है। रेशम के पालन को, रेशम कीट के पालन को अपने सेरिकल्चर कहते हैं। वो अपना आगे वीडियो आएगा उसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें पढ़ेंगे अपन जंतुओं का आर्थिक महत्व है और पादपों का आर्थिक महत्व है। तो ये एक प्रकार का कीड़ा है, कीट है, ठीक है। तो रेशम का जो धागा है, उस रेशम के धागे को अपन कांच की छड़ से घर्षण करवाते हैं या रगड़ते हैं तो क्या रेशम के ऊपर इलेक्ट्रॉन संग्रहित हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट एक प्लास्टिक है। एबोनाइट क्या है, प्लास्टिक है। उसकी छड़ को अपन बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, इसे बिल्ली की खाल, ठीक है। तो एबोनाइट जो है, एबोनाइट पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन संग्रहित हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोल, रेजिन या अंबर। क्या नाम है, रोल, रेजिन या अंबर। अंबर के नाम से पूछा गया था एक बार एग्जाम में क्वेश्चन कि अंबर को यदि अपन फलालेन से रगड़े, ठीक है, यानी कि ऊन, ये तो क्या है अपने रोल, रेजिन, अंबर, ये प्लास्टिक के समान वस्तुएं हैं और ये ऊन या फलालेन ये ऊनी जैसा ही है, ऊनी कपड़ा, उससे अपन रगड़ेंगे तो अंबर या रोल या रेजिन ये क्या हो जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन का संग्रहण हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक है उसको अपन ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है, तो वो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, या उसमें इलेक्ट्रॉन संग्रहित हो जाएंगे। और लास्ट इसमें रबर के जूते। कोई व्यक्ति रबर के जूते पहन करके कहां चल रहा है, ऊनी गलीचे पे चल रहा है, ऊन की बनी हुई कोई मेट है उस पर चल रहा है, तो उसके जो जूते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का संचयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संग्रहित हो जाएंगे, ठीक है, वो जूते ऋणावेशित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से कि दो वस्तुएं देंगे अपन को, कौन सी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का संग्रहण होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ ये स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत, ये टॉपिक अपना ये क्लियर होता है। अगला जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे धारा विद्युत या विद्युत धारा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।